तो आइए प्रिय छात्रों, आपके लिए मैं ये 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर हुआ 4 अप्रैल 2022 को आपका HBSC बोर्ड हरियाणा का, तो इसके अंदर जो आपके छोटे क्वेश्चन है ग्रामर है उनको हम सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है पार्ट टू के अंदर उनको करेंगे। तो जो पोइम से रिलेटेड है और जो छांटने वाले पैराग्राफ उन सभी का आप आंसर चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अन्य सहपाठियों को आप जो भी आपके क्लासमेट है जिनका आज पेपर हुआ है आप उनको ये वीडियोस शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपने आंसर मिला सके और चैनल के साथ बने रहिएगा। और आप अन्य जो सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम आपके पेपर होने के बाद आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ ज़्यादा देर न करते हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है, ये पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको क्या अब आंसर देना है आपको। तो नेक्स्ट जिस प्रकार आपका पहला ये देखा है पार्ट ए के अंदर, नेशनल एथम्स आर यूज संग और प्लेयर्ड ऑन स्पेशली ओकेशंस इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दे आर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स संग एज ए मार्क ऑफ होनर ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। देर आर संग टू इंस्पायर पेट्रियोटिक फीलिंग इन द पीपल्स। तो जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं ये पहला आपका जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ को पढ़ के देना है। तो पहले का जो व्हाट इज ए नेशनल एंथम, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पेट्रियोटिक संग और प्लेड एज ए मार्क ऑफ होनर ऑफ फॉर द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हु रोट आवर नेशनल एंथम, तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप ये दे रखा है आपको इनके बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपका वेन वॉज द नेशनल एंथम इन ऑफ इंडिया अडोप्ट, तो इसका 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप पैसेज के अंदर ये दे रखा है आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है ये तो हो गया था। अगला क्वेश्चन हु रोट ए पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसके अंदर देखा और वैसे भी आपको नॉलेज है इसके बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी सॉन्ग वंदे मातरम में देखिएगा आप पैसेज के अंदर ये रहा यहाँ, तो ये पैसेज के अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे, ये तो बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वेयर वाज आवर नेशनल संग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत वो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया, कहाँ गाया गया था, कोलकाता के अंदर गाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा आपका ये इसके अंदर दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, देखिए द फर्स्ट टाइम ऑफ कोलकाता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है तो ये पार्ट अगला जो आपका पार्ट बी के अंदर जो आपका है ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिसीजेज ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज पार्टिकल्स अलोंग, तो इसके अंदर ये पैसेज है। और जो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि व्हाट आर द यूज ऑफ ड्राई फ्रूट्स टू करो वेरियस डिसीजेज, तो ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा, यानी कि क्योर क्योर वेरियस डिसीज ऑफ ब्रेन, यानी कि मसल टिश्यूज़ यानी कि कोशिका मांसपेशियाँ और दिमाग से रिलेटेड सभी जो बीमारियाँ हैं वो ड्राई फ्रूट यानी कि इफेक्टेड करती हैं, ये तो आपका ये आ जाएगा। अगला आंसर व्हाट शुड ब्रेन वर्कर्स नॉर्मली यूजिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, तो इसका ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा, आलमोड्स एंड फिग्स ग्रेप्स एंड डेट्स एप्पल्स एंड ऑरेंज ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका देर खाई रहेगा इसके अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर कहाँ ड्राई फ्रूट प्रोसेस ये देखा आपका देखिएगा ये रहा इसके अंदर उप्स ये रहा ये दे रखा है इसके अंदर इसका आंसर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये तो आपका हो गया था, सॉरी ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 आता है अब आपका, विच ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल टू क्योर ब्रेन वीकनेस, तो इसके अंदर ये नहीं होगा इसका देख लेते हैं। आलमोंड वलंट ये यूजफुल किसके लिए किया जाता है, तो इसका टू ब्रेन स्ट्रेंथ इसके अंदर देखते हैं कहाँ से कि दे रखा है ये एलिमेंट्स, एक मिनट रुकिएगा इसका कहाँ से मिलेगा ये आपको,
इसका थोड़ा देखना है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑलमोस्ट, इसका भी बाकी इसका देख लेना आप, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी और भी सेट के लेके आए हैं। सुब ब्रेन्स वाक टेक फ्रूट्स रीच इन फिसफोरिक एलिमेंट, तो इसका ऑल ऑफ द अभी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मोड, तो इसका जो है इट स्ट्रेंथ देन आवर रिपेटरी सिस्टम रिस्पेटरी रिस्पेटरी सिस्टम, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ग्रामर आती है, आप ग्रामर देख लीजिएगा सेक्शन ग्रामर, इनकी 15 सेंटेंस बाय चूजिंग बाय द मोस्ट ऑफ द, यानी कि आपको 15 यानी कि 15 करने हैं टोटल, तो एक एक नंबर का खालिस्तान आपको करेक्ट वर्ब इसके अंदर भरनी है, तो ही खालिस्तान इनकी डॉट डॉट गो फॉर ए वॉक एवरी डे, तो जहाँ हमेशा रूटीन की बात आती है वहाँ हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यानी कि गोज आएगा, ही गोज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह हर रोज यानी कि एवरी डे यानी कि वॉक करता है। अगला क्वेश्चन है कि ही खालिस्तान वियर ए कोट टूडे एज इट इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात कर रहा है, टूडे आज की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, तो आपको पता है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के अंदर यानी कि ये कौन सा टेंस है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यानी कि इसके अंदर कोई काम हो रहा है, तो ही इज़ वेयरिंग यानी कि पहन रखा है ए कोट टूडे इज इट इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, उसने कोट पहन रखा है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ही नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट के साथ आपका क्या लग जाएगा, तो डिड नॉट विजिट सी डिड नॉट विजिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डू के बहुवचन के साथ लगता है, डिड एक वचन के साथ लगता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी नरेशंस आई हुई है इसके अंदर लिखे द टीचर सेड द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालय, इसका बिल्कुल आसान है, इसका पहला क्वेश्चन है कि तो इसका ये देखते हैं पहला, ये तो वेयर नहीं होगा, ये तो द टीचर सेड दैट द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालय, द टीचर सेड इफ ये भी नहीं होगा, द टीचर सेड दैट द टीचर टोल्ड दैट द गंगा राइज, बताते ये आ जाएगा इसका डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी हैव यू टेकन योर लंच, उसने मुझसे कहा कि तुम अपना लंच कर लो यानी कि लंच ले लो, तो इसका ही टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन माई लंच, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका सी सेड टू मी वाई डिड यू कीप मी वेटिंग, ही सेड टू मी का वाई डिड यू कीप मी वेटिंग, आपने मेरा इंतज़ार क्या आपने मेरा इंतज़ार किया, क्यों वाई क्यों आपने मेरा इंतज़ार किया, वो उससे कहते हैं, तो इसका सी टोल्ड मी दैट दे ही हैड कैप्ट हर, इसका ये भी नहीं होगा, इसका सी आस्ट हिम इफ वाई ही हैड कैप्ट वेयर वेटिंग सी, तो इसका मुझे लग रहा है सी टोल्ड हिम दैट ही हैड कैप्ट हर वेटिंग, इसका क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपकी जो आर्टिकल्स जो आए हुए हैं, ही इज द बेस्ट टीचर, द आएगा यहाँ ए नहीं आएगा, ही इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, ही द बेस्ट, तो एन एलिफेंट एलिफेंट एन एन आएगा, एन एन ए की आवाज़ एन ए की जहाँ आवाज़ आती है आपको पता है सिंपल भाषा में भी रहते हैं ए आ ई की आवाज़ आता है, ए एन लगाते हैं वहाँ, एन एलिफेंट एन आएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोहन इज़ खालिस्तान लॉयल सर्वेंट, मोहन इज़ ए लॉयल सर्वेंट, ए आ जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको ये बिल्कुल आसान ही है, खालिस्तान गुड गॉड ब्लेस यू हर विद ए सन, तो ये जहाँ एक्सक्लामेट
ये सिंबल जहाँ आपको दिखे वहाँ मे हमेशा ही आता है, जैसे मे आई के मीन सर, यानी कि आपको जहाँ हैरानी हो, ओ माय गॉड, जैसे कोई एकदम भयभीत हो जाए, इस प्रकार के शब्द हो, तो मे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड करो तुम भी फेल हो जाओगे। तो दसवीं क्लास में जो आप हो तो वर्क हार्ड करो, अभी आपके पेपर का टाइम है तो वर्क हार्ड आप कीजिएगा। रन फास्ट ओवर यू मिस द ट्रेन, रन फास्ट ओवर यू शुड, रन ये भी शुड हो जाएगी इसके अंदर, नहीं शुड नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि बात क्या कर रहा है, विल आएगा इसके अंदर, क्योंकि रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो जेरेंट्स एंड इन्फिनिटिव भरना है, इसके अंदर वी गो टू स्कूल स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू स्टडी। अगला क्वेश्चन है वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, वी शुड टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट ही आएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25, स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग आएगा इसका, स्मोकिंग, क्योंकि आपको बहुत सारे जगहों पर आपको देखने को मिलता है नो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग यूज होता है यहाँ, स्मोक नहीं स्मोकिंग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचुएशन बिल्कुल आसान ही है आपकी, तो पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, लेकिन सभी में पहला बड़ा है, तो जहाँ मिस्टर यानी कि मिस्टर का जो एम आर बड़ा नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर का इसके में एम छोटा है। अब इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि आपका लाला मिस्टर श्याम लाल टीचर, तो लाल इसके अंदर छोटा है, तो इसका ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो पहला लेटर जो भी बड़ा नहीं है, पहली बात है ही, जैसे इसका एच बड़ा नहीं है तो गलती हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या दिखा रखा है, यहाँ देखिएगा कि यहाँ की इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लीज़ ब्रिंग थ्री कप्स ऑफ टी, तो जहाँ पहला लेटर सीधी सी बात है बड़ा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक गलती, ये भी ऑटोमेटिक गलती, ये भी ऑटोमेटिक गलती, तो सीधा आपको दिख ही रहा है कि पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, तो पहला अक्षर बड़ा आता है, पी यहाँ छोटा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सेट सी के अंदर जो आपका आया हुआ है, ये पोएम की आपको दे रखी है, तो इसके अंदर डोंट शो अपसेट इनफ दो थो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो इसके अंदर ये आपका जो आया है नेम ऑफ द चैप्टर, तो ए लेटर टू गॉड के अंदर आया हुआ है, ए लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड को इसका जो नेम ऑफ द ऑथर है वो जी एल फ्यूनेट्स, फ्यूनेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है कि हु सेड डोंट बी अपसेट लेंचो, लेंचो लेंचो इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज देयर ओनली होप, किसे हेल्प, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट लॉस हैड दे सफर्ड, इसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ द क्रॉप्स यानी कि उसकी क्या हो जाती है, यानी कि किस चीज़ का लॉस होता है, आपको पता है व्हीकल्स का नहीं होता लॉस, प्रोसेसिंग का, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका क्रॉप्स यानी कि फसल उसकी बर्बाद हो जाती है, सीधी सी बात आपने स्टोरी पढ़ी होगी। अगला जो इसके अंदर जो आया हुआ आपका देख सकते हैं पैसेज जो दे रखे हैं, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रीड नोन नोन एज द बोल, तो इसके अंदर जो आपका आया हुआ है नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ द ए बैंक फ्रॉम गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑथर, तो इसका जो ऑथर है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑथर जो है वो अरुण कुमार दत्ता, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मुझे थोड़ा ध्यान ये देख लेना आप कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डज ए पार्टी और ए फीट्स लॉस इट्स चार्म्स, ठीक है, विदाउट ब्रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं इसका विदाउट ब्रीड नहीं होगा, सॉरी विदाउट स्वीट्स, ये हमने पढ़ा था, ये देखिए पहले यहाँ यहाँ लिख रखा था, ये रखा विदाउट स्वीट ब्रीड, स्वीट ब्रीड विदाउट स्वीट ब्रीड, तो इसके अंदर
विदाउट स्वीट पार्टी फेस्ट लॉस इट चार्म्स, तो इसके अंदर दोनों ही दे रखे हैं लेकिन एक मिनट रुकिए, गिफ्ट इज मेनीलेस विदाउट स्वीट्स ब्रेड, स्वीट ब्रेड नोन एज बोल जस्ट पार्टी फेल फेल्स लॉस इन चार्म विदाउट ब्रेड, विदाउट ब्रेड ये आया, हाँ सही है इसका राइट आंसर, ब्रेड ये देख रहा दे रखा है इसके अंदर मैसेज के अंदर, तो ब्रेड ही इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है कि वट हैज़ द लेडी ऑफ द हाउस टू डू ऑन द ओशियंस ऑफ हर टूगेदर इन इनेजमेंट इंगेजमेंट, जो आपका इंगेजमेंट होती है, तो प्रस्पेक्टिव सैंडविचिज प्रिपेयर सैंडविचिज आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि वट इज़ द मस्ट ऑफ द क्रिसमस, तो केक्स एंड बलून्स, यानी कि जो सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस वहाँ क्या बलून्स भी हो केक भी होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला पैसेज जो आपका सी पार्ट है इसके अंदर आपका दे रखा है, तो इसके अंदर ये पैसेज आप देख सकते हैं कि सम टाइम्स वी पेगी वाज आस्किंग वांडा, ठीक है, तो इसका जो दे रखा है कि नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस पैसेज द हंड्रेड ड्रेसेज पार्ट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑथर, तो नेम ऑफ द ऑथर इसका एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक इसका राइट आंसर हो जाए, एनी फ्रैंक। व्हेन डिड द मेडिड फील एम्ब्रेस्ड, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इतना टाइम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। व्हेन वी वुड मेडिड नियर हैव पेड एनी अटेंशंस ऑफ वांडा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ही पेगी वुड इन्वेंट द ड्रेसेस गेम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड माय डिड विश, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेगी वुड नॉट स्टॉप टेस्टिंग वाडा, तो इसके अंदर ये आप ये सारा इसके अंदर दे ही रखा है, ये देखिएगा आप ड्रेस पेगी अदर सेड इसके अंदर वाज नॉट पुअर वाडा फ्रेफ्स वाज पुअर सी वुड हैव मोर सेंस हंड्रेड ड्रेसेस, ये देखिएगा आपको इसके अंदर ही हंड्रेड ड्रेसेस से मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं तो। पहला क्वेश्चन जैसे कि था कि कोई कहते भी हंड्रेड ड्रेसेस से नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये दे रखा है हंड्रेड ड्रेसेज का जिक्र आ जाता है। अगर इंग्लिश की हिंदी नहीं बनानी आती तो कुछ हद तक इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हर्ड, तो ये क्या है नेम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो से आया है, डस्ट ऑफ स्नो इसके राइटर कौन है रॉबर्ट फॉरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर तो यही मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन हैड गिवन द पोइट ए चेंज ऑफ मूड द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोइट, तो इसका यानी कि जो ऊपर कौवा बैठा होता है उसके पंखों से जो ओस गिर जाती है उसके कारण उसका पोइट का मूड चेंज हो जाता है। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट ही स्टॉप रनिंग द डे एंड हिज मूड चेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर रिदम क्या है, तो रिदम आप चेक कर सकते हैं कि रिदम को क्या है, रिदम कैसे चेक की जाती है, रिदम देखिएगा इसके अंदर देखिएगा कि रिदम क्या है, ये देखिएगा पहला टी है यानी कि ए कहेंगे इसे फिर बी कहेंगे, देखिएगा जैसे कि पहले टी आ गया तो टी को हम क्या कहेंगे ए, फिर यहाँ बी यानी कि आपका डी आ गया तो उसे क्या कहेंगे बी, फिर आपका यहाँ टी आ गया तो ए बी यहाँ के ए बी ए बी ए बी ए बी इसकी रिदम हो जाएगी, तो देखेंगे ए बी कौन से में ए बी, तो इसका ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन है इस रिपीटेड हो गया, अगला देखते हैं हम, तो यहाँ आपका ये पार्ट जो है आपका ऑप्शन टाइप का है कंप्लीट होता है, उसके बाद में जो
यानी कि जो आपके बड़े क्वेश्चन जो आए हुए हैं, दो दो या पांच पांच नंबर के, आप देख सकते हैं इस पेपर को। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक इवल ऑफ हीटिंग चैटिंग, इवल ऑफ चीटिंग। तो ये आपको बड़े क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अब अप्लीकेशन जो आए हुए हैं। यू आर अरुण निशा राइट ए यूर ब्रदर थिंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट इज नेसेंट यूर बर्थडे। तो आपको लेटर लिखना है, ये दूसरा लेटर आया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि जो आपके, यानी कि दो क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है। ये आप देख सकते हैं तो इसके अंदर वल्ली का जो है, वल्ली मैडम, काल वल्ली मैडम, इसके अंदर ये आप और क्वेश्चन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए इनको मैं आपको एक एक नहीं बता रहा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से किस प्रकार का आपका पेपर आया हुआ है, ये देखिएगा। तो आपका जो ये पेपर है आया हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस जो आपके आ रखे हैं सेट बी के अंदर, HBSC बोर्ड ऑफ हरियाणा जो आपके आए हुए हैं, तो ये यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ये आपके क्वेश्चंस ये देख लीजिएगा, तेज़ लगे तो रोक के देख लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।